बड़ी खबर है, इसराइल और हमास की जंग के बीच अमेरिका के लिए एक बड़ा खतरा पश्चिम एशिया पहुंच चुका है। खबर है कि रूस ने हिजबुल्ला का सहारा लेकर अपनी बेहद खतरनाक एंटी शिप मिसाइलों को लेबनान पहुंचा दिया। यानी हिजबुल्ला का साथ लेकर रूस ने अमेरिका को घेरने की पूरी तैयारी कर ली। और न्यूज एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक उसने हिजबुल्ला को घातक एंटी शिप मिसाइलें दे दी। इन मिसाइलों के जरिए बड़े से बड़े जहाज को भी पल भर में ही तबाह किया जा सकता है। और अमेरिका ने दोस्त इसराइल की मदद के लिए भूमध्य सागर में अपने युद्धपोत तैनात कर रखे हैं। लेकिन अब जब दावा किया जा रहा है कि हिजबुल्ला के हाथ रूस की एंटी शिप मिसाइलें लग गई हैं, तो यह अमेरिका के लिए बहुत बड़े खतरे की घंटी है, क्योंकि अमेरिका ने इसराइल की मदद के लिए अपने खतरनाक जंगी जहाजों को भूमध्य सागर में तैनात कर रखा है। लेकिन अब दावा किया जा रहा है कि हिजबुल्ला के हाथ रूस की एंटी शिप मिसाइलें लग गई हैं, तो यह अमेरिका के लिए काल साबित हो सकता है। क्योंकि अगर हिजबुल्ला ने इन मिसाइलों का इस्तेमाल अमेरिका के जंगी जहाजों पर कर दिया, तो ऐसी तबाही आ सकती है जिसके बारे में अमेरिका ने सपने में भी नहीं सोचा हो। यानी रूस ने अपने कट्टर दुश्मन अमेरिका को बुरी तरह फंसाने का चक्रव्यूह रच दिया। अमेरिका के लिए पहले ही ईरान बहुत बड़ी मुसीबत है, जो चरमपंथी संगठनों के जरिए अमेरिका की कमर तोड़ने का कोई मौका नहीं छोड़ रहा। लेकिन अब रूस भी अमेरिका को घेर कर मारने की कोशिश में जुटा है। और न्यूज एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक रूस की खतरनाक एंटी शिप मिसाइलें हिजबुल्ला को दी गई हैं। इसीलिए अमेरिका की सांस अटक गई, क्योंकि इसराइल की सुरक्षा के लिए अमेरिका ने भूमध्य सागर में अपने जंगी जहाज तैनात कर रखे हैं। ऐसे में अगर हिजबुल्ला ने उसके जंगी जहाजों को निशाने पर लिया, तो अमेरिका को भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है।